के खराब पुतौ कही सास से कि अब भैंस छीछल लेदर मचाई रही है तुम्हें गुस्सा लागे मैं झाड़ू मार के हाँक दीने हूँ। तो भैया सास बिचारी ढूंढत ढूंढत रोवत रोवत पहुंची पाए भैंस के लगे। बहुत देर में ढूंढ पाई पाए भैंस का खूब रोई। भैया हरछट मैया के कहानी क्या पार्ट दूजा वीडियो वीडियो पूरा देख के हंसी कमारे लोट पढ़ियो। कलुआ के बुआ बढ़िया कहानी सुनाई थी हरछट मैया के। हाँ भैया पूरा वीडियो देखिया ना तो बुआ के कहानी सुन के मजा आ गई तुम्हें। लड़ाई हुई है चार जने जौन थी हो तो लड़ाई न हो इंसान तो हो नहीं सकता। पूरा वीडियो देखो लाइक कर जाओ वीडियो अब बाद में भूल जाते हो अब लाइक कर जाओ। हमारा दूसरा चैनल अंकित बांदा कॉमेडी का सर्च कई लीनो जाके भला अंकित बांदा कॉमेडी। बुआ सुना आपे कहानी राजा दादू सुनावा थे तो कब समाचार लावा करा था। अम्मा से फाड़ू कहानी सुनाए अम्मा के कहानी का फेल कई दिन हर छरदाई के कहानी में। हाँ बताए जाता हूँ अम्मा के कहानी ज्यादा पसंद नहीं आया मुझे बुआ के कहानी पसंद आई। अब इंसान नहीं कहा जाता रे हर छठ माता का। हर छठ माता का तो यह कहा था अपाए माता का कहा था कि हमारा माता ढंग के कहानी नहीं सुना पावती आए। अरे बैल मुझे तो औ कुदक नहीं बनती आ कहानी वानी आए बाए क्या बनती तो सुनाए देती हूँ। देख बुआ ऐसा हिसाब से बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाए बिल्कुल फेल कई दिन मोरे अम्मा का। हाँ तो मोरे अम्मा से कहे मैं कम नहीं आई बताया जाता हूँ। अरे सुनाओ तो देख की टिपी टिपी बस करत रही है। हाँ भी टिपी सुनावा कहानी कब सुनाई हो थोड़ी थोड़ी बिसरा थी कहानी। लागत बुआ अबैन भूसी होती शांत रहो रे का ऊट पटांग की बातें करत रहवा करत है शांत नहीं रह सकते थे। तो ये मुहे से जौने बात निकली तो बिल्कुल आई बहाए वाली बात निकली है ना कायदे से नहीं रह सकते थे। बताओ कायदे से नहीं रहा जाता है तुझे। देख बुआ ऐसा है अपने को कायदे फायदे से मतलब नहीं है सिर्फ हम जानते हैं रंगबाजी कलुआ रंगबाज। तोरी रंगबाज कई सारे बहुनो टंकी ने बतास नहीं है पेल पाल की इंटर राम पाल बना दे तू तो बंद है रंगबाज क्या जात है ससू नहीं तो। बाबू धाम कुदीस सुना फिर बेटी तुम कहानी। अब भौजी थोड़ी थोड़ी बिसरा थी लागत है कहानी मुही न याद आई का ये तो कोनो बना के छाड़ जा वही के ऊपर बना के नहीं कहूँ तान के बात करती हो चाची तुम्हारू। तो सुनाओ फिर जल्दी से याद कराओ हर छठ मैया कहानी याद दिलवा जाओ जल्दी से मुझे बिसरिया गा बिल्कुल दिमाग से उचट गे कहानी ना आवत हो तो कोनो बात नहीं रह जाओ बेटे कहानी सुनाई चुके हैं चला आरती कह ली चली। अरे हम सुनावती हूँ भौजी रह जाओ तो इसे याद तो कह ले जाओ। बुआ तो बादाम खाओ कर बादाम बादाम का ये तो बढ़िया तो दिमाग तेज हो जाए नहीं तो कुछ दिन में तो झुन्न हो जाए जो इंसान तुम्हें बिसरा लागी सब कुछ। ए दादू इंसान के महंगाई में सब्जी नहीं खरीदी होती है 100 रुपया पसेरी आलू हम 30 रुपया किलो टमाटर हम बता सब्जी खरीदी नहीं होती है बादाम कहाँ से खरीदी हूँ। अरे बुआ तुम मुझसे ना बताऊती तो लगे पैसा के कमी है तो मैं एक बादाम का पेड़ खरीद के लाऊ तो घर में गाड़ देते हूँ। बाहू ना फेंक दादू सुना फे बुआ कहा सोता थी अब राजे तो ध्यान तो कई लेन दे आता तो बहुत लुपुर लुपुर करा करा था हम है कलुआ रंगबाज प्लस लुपुरुआ। हाँ लुपुरुहा रही जा सुनावती हूँ। हाँ तो भौजी सुने हो एक हमारे मोहल्ला में पड़ोसी ने रही हवे तो वही के दुई ठे पुतौ है रहे आओ के एक था भैंस रहा दुई ठे पुतौ है रहे वही के घर में उन दोनों पुतौहन में एक ठे पुतौ ठीक रही हव एक ठे पुतौ खराब रही है मतलब कि एक ठे पुतौ चुड़ैल रही है झाखर रही है तो झाखर पुतौ जौन रहा है तो लड़ाई करा कर रही है नीक वाली पुतौ से तो इंतान काम नहीं चले वाला रहा है घर में। तो एक दिन वही के सास कही से कि एक एक दिन दोनों जने गोबर समेटे आ एक एक दिन अदल बदल के रोटी बनाया घर के। तो भैया इंतान शुरू ही के घर के लीला एक दिन नीक पुतौ रोटी बनावे तो खराब पुतौ गोबर समेटे फिर दिन खराब पुतौ रोटी बनावे तो नीक पुतौ गोबर समेटे ये इंतान लीला चले लाग। तो एक दिन ऐसा भा कि जौन खराब पुतौ रहा वही के ओसरी पर के गोबर डारे के वह दिन रहा हर छठ माता के पूजा। तो भैया सब जने तो जानते हैं हम कि हर छठ माता के पूजा में भैंस क्या दूध लागत हवे तो वह दिन सब जने गांव भरे का मड़ाई उनके घर आया वो भैंस क्या दूध ले। तो भैया वह दिन वो खराब पुतौ का किस गोबर समय अटेंगे तो देखिस कि भैया भैंस आ तो हागी मोती तो है छीछ लाद तो मचाई देती है हमें भैंसी गोरू चाहे जौन गोरू हो। तो भैया पुतौ का आगे खराब वाली पुतौ का गुस्सा वो मार वार के भैंस का दो चार झाड़ू मारिस भगा दीस सब मेहरिया पहुंची दूध लेने के खातिर वही के सास के लगे। तो सास कहीस की बैठा में लेके आवत है दूध पर जस के आई और देखीस की मो भैंस है नहीं है तो दूध कहाँ से दे फिर अपने पुतौ से पूछिस की भैंस कहाँ चली गे।
तो के खराब पुतौ कही सास से कि अब भैंस छीछल लेदर मचाई रही है तुम्हें गुस्सा लागे मैं झाड़ू मार के हाँक दीने हूँ। तो भैया सास बिचारी ढूंढत ढूंढत रोवत रोवत पहुंची पाए भैंस के लगे। बहुत देर में ढूंढ पाई पाए भैंस का खूब रोई। तो ढूंढ के पहुंच गए सास पाए भैंस के लगे। तो भैंस से कहे इसकी चल। तो भैंस मना कह दी इसका मना गई हूँ यहाँ वहाँ चिल्लाए उधर घर कहीं नहीं आवत रही आए। बरिया के सास बिचारी भैंस का मना फुसला के बौरा के बढ़िया था थोल के सोहरा के ले आई घर है कि चल मैं तो सेवा करनी हूँ तुम्हें को न मारी। तो सास पकड़ के लाई भैंस का और दोहनी की ही और सब जितनी मेहरिया आई रहे हर छठ मैया के पूजा के खातिर दूध ले खातिर तो सबका दोहनी करके दूध दीस। फिर मेहरिया दूध लेके गई पे घर हर छठ मैया के पूजा माँ। अब सब गांव की मेहरिया जितनी दूध ले आई रहा तो सब जान गई रहा कि कुआ भैंस का मार के भगा दी सी है। पूरे गांव में चर्चा फैल गई हुई कि पुतौ बहु खराब ही। हाँ मतलब सास समझदार रही हवा जानत रही है कि भैंस का दूध लागा था वो पूजा में। हाँ भौजी अ कहानी बढ़ा आगे। कहानी के बढ़ाए पंजूरी के आए। चल आ पाए पाए घर है अब रह जा घर आए चिल्लाए लागे सुनी ने कहानी। बुआ के कहानी में खास दम नहीं रहा है पर ठीक रही हमार लीने हो। एक तुम कौन दान की कहानी सुनाए पड़े हो इसे निक तो मैं सुना दे तो एक रहा लोखरी एक रहा लोखरा एक रहा भैंस एक रहा पढ़िया एक रहा हाथी एक रहा हाथिनी। लोखरी लोखरी है लोखरी सिंहार के कहानी ना हुआ सुना है चुप बैठो तुम यहाँ हर छठ मैया के पूजा होती है तुम्हें तो जब देखे मजाक लाग रहा था। भैया तुम करो पूजा हमारे बस के नहीं आए तुम्हारा कहानी वहानी बढ़िया सिंहार सिंहारिन के कहानी सुनाते तो मजा आवत। अच्छा तुम जाओ ठाई से सुने कहानी नीक लागे तो बिना कहानी सुने। बाबू चल है कोनो मतलब नहीं हमारे बैठे से बेटी हमें कहानी पसंद आई हवे। चलो अब आरती कई ले। हाँ भौजी आरती कई ले अब भैया हर छठ मैया के हमारा पूजा संपन्न भे आरती कई ले अजान पाया पाए घर है। तुम्हें वीडियो नीक लागो तो लाइक कर दे जल्दी से हमारा दूसरा चैनल अंकित बांदा कॉमेडी जाके सर्च कर ले आओ। ठीक है भैया हम जाती है अब।